अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मात दी है। ट्रंप ने न सिर्फ इलेक्टोरल वोट्स में जीत हासिल की, बल्कि सभी प्रमुख स्विंग स्टेट्स में भी बढ़त बना ली। अमेरिकी चुनाव में जीत के बाद 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे ट्रंप ने कहा, अमेरिका वासियों का धन्यवाद, आज से पहले ऐसा नजारा नहीं देखा। हम अपने बॉर्डर्स को मजबूत करेंगे, देश की सभी समस्याएं दूर करेंगे। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत की हार्दिक बधाई। आपकी पिछली सफलताओं को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि हम भारत और अमेरिका के व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देंगे। पीएम मोदी के संदेश से साफ है कि वो अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और रणनीतिक मामलों में पहले से ही मजबूत साझेदारी है और इस जीत के साथ ये और भी मजबूत होने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बनना भारत के लिए एक सकारात्मक संदेश भी माना जा रहा है। पिछले कार्यकाल में दोनों देशों के बीच कई ऐतिहासिक समझौते भी हुए थे, जिनका प्रभाव आर्थिक, सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखा गया। ट्रंप की इस विजय के साथ ही भारत और अमेरिका के संबंध और प्रगाढ़ होने की संभावनाएं बढ़ गई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप की इस नई पारी में भारत और अमेरिका के संबंध किस नई दिशा में बढ़ते हैं और कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर नए आयाम स्थापित करते हैं।